चैनल। तो आज हम फोटो को एडिट करने वाले हैं, जिस तरह आप थंबनेल में देखें उस तरह एडिट करने वाले। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कोई फ़ोटो हमको एडिट करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी गैलरी में आ देते हैं। एंड हमको ये फ़ोटो एडिट कर लिए थे, तो हमको इसको ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको बस यहाँ पे देना है, पॉप पे आना है। पॉप पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ देख लेना है, एक्सटेंडेड पे आ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको डाटा वन कर लेना है, अगर आप डाटा वन करेंगे तभी ये चलेगा। तो डाटा वन करके रख लेते हैं। उसके बाद गाइस इस तरह इंटरफेस आ जाएंगे, ठीक है। देखो सही कर देना है यहाँ पे टिक लगा के। टूल्स में आना है, टूल्स में आने के बाद सेलेक्टेड भी आना है, और सेलेक्टेड में आने के बाद देखिए इस तरह से हो जाएंगे। आपको वहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और आपके निशान पे आपको आना है, और आपको ऐसा टच करके ऐसा, मतलब आपको कुछ ऐसा कर देना है बी पर, जो जिससे जैसा रखना है आपको। अब इस तरह से रख के आपको यहाँ सही कर देना है। उसके बाद क्या जाओगे, और आपको और चेंजिंग करना है यहाँ पे तो और चेंजिंग कर सकते हैं, और नहीं चेंजिंग करना है तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे सर्च फास्ट के लिए सबसे पहले हम एडिट कर लेंगे फास्ट में, इसके लिए यहाँ पे चेंजिंग लीजिए। मैं अपना यहाँ शेयर कर ले रहा हूँ फोटो, आपको शेयर कर लेना कर लिया। एंड दोस्तों हम लाइट रूम ऐप को हम ओपन कर लिए, और कोई फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिए, जो फ़ोटो मुझे एडिट करना था। इसे सेलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड के बाद देखिए इस तरह इंटरफेस आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो आपको सिंपली दोस्तों आपको लाइट की ऑप्शन पे आ जाना है। एंड लाइट की ऑप्शन पे आके आपको थोड़ा लाइट इसका बढ़ा देना है, उसके बाद गाइस इसको थोड़ा डाउन कर देना है, जो कि अच्छी तरह से लगे। देखिए इसको हम थोड़ा डाउन और कर दे रहे हैं, और इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोरर को थोड़ा घटा दे रहे हैं, इसको बढ़ा दें, और लाइट में जो है गाइस इसको लाइट में हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि आपको अपने हिसाब से यहाँ देख लेना फ़ोटो को। एंड आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, इस तरह से बढ़ा दिए मैं गाइस। आपको यहाँ पे 8 पे कर देना है, इस तरह से हो गया। कलर में आपको आना है, कलर में भी आपको थोड़ा सा कम कर देना है इसको। अगर आप कम करते तो आपको इस साइड का इस साइड आपको इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। और इसको आपको थोड़ा सा इसको भी कम कर देना है, इस तरह से ऑप्शन, ये ऑप्शन बाई ऑप्शन आ जा रहा है दोस्तों। आपको भी इस तरह से कर देना है। अगर आप इस तरह से ऑप्शन करते हैं तो आपको ये टोटल जिस तरह दिख रहा था आपको इस तरह दिखने लगेगा। थोड़ा इसको बढ़ा देना है, यानी इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है। उसके बाद हो गया है दोस्तों। उसके बाद आपको करना है, एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके आपको कोई भी और ऑप्शन को देख लेना, इसमें आना है, और इसको रिमूव में आपको क्लिक करोगे तो आपको कुछ सेकंड के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल जाएंगे। इस तरह के बाद खुलने के बाद दोस्तों इसको रहने देते हैं। आपको यहाँ पे फिर से आपको शेयर के ऑप्शन पे आना है, एंड शेयर में इसको पिक्सआर्ट में आपको शेयर कर लेना है। हम पिक्सआर्ट में शेयर कर ले रहे हैं इसको, आपको भी कर लीजिए पिक्सआर्ट में शेयर। दोस्तों पिक्सआर्ट में आने के बाद सेलेक्ट फोटो सेलेक्ट करो, रीटच पे क्लिक करना है। रीटच पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, फेस पे क्लिक करना है। फेस पे क्लिक करने के बाद देखिए इसका जो मुंडी होता है, आप मुंडी को देखिए, इसका चेहरा देखिए सिल्फ डाउन हो रहा है। तो इसको कुछ नहीं करते हैं, नेचुरली रहने देते हैं इसका। इसका लिप्स भी आपको देखिए इस तरह से हो जाता है, देखिए लिप्स। तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं, नेचुरली रहने देते हैं। उसके बाद गाइज आँख में आते हैं, एंड आँख में आने के बाद आपको दिखाते हैं, दो सेकंड वेट करते हैं गाइज। तो इसको गाइज आपको यहाँ पे फुल कर देना है, एंड फुल कर देने के बाद इसको हम कटिंग कर देते हैं, मतलब काट देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे काट दिया हम, इसको बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना है, टिक मतलब सही कर देना है, और रिमूव के ऑप्शन पे आपको आना है, दो सेकंड गाइज। आपको यहाँ पे आप इसका ब्रश भी कर सकते हैं, जिससे ब्रश के ऑप्शन पे आते हैं, और ब्रश के ऑप्शन पे हम कोई भी आपको जब ऐसा ब्रश करते हैं तो ऐसा हो जाता है, इसलिए आपको ब्रश के ऑप्शन पे नहीं आना है। देखिए यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, तो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों फुल की, अब देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ दोस्तों, मैं वीडियो फास्ट बनाने के लिए इतना कम एडिट कर पाए दोस्तों। अब नेक्स्ट बार हम आपको अच्छी एडिट करके दिखाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।